So hey YouTube family, welcome back to the video. I hope you guys are doing extremely well. So आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसमें हम आज में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. एंड इसका एक थर्ड पार्ट भी आएगा, जिसमें थर्ड पार्ट मैंने अपलोड कर दूंगा जस्ट इस वीडियो के अपलोड होने के जस्ट बाद में अपलोड करूंगा, जिसमें हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे. तो अगर आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी, तो आप जाकर देख सकते हो. तो सब शुरू करते हैं एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो. एंड सिर्फ ये वीडियो को अपने तक सीमित ना रखो, इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में शेयर करो, सारे फ्रेंड के पास शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो की लाभ ले पाए. तो चलिए शुरू करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं. सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है, डेवलप अ प्रोग्राम यूजिंग सिस्टम कॉल टू रीड इनपुट फ्रॉम द कंसोल अंटिल द यूजर इनपुट दिस सिंबल एंड देन सेव द इनपुट इन अ फाइल. क्वेश्चन काफी सिंपल है. एक प्रोग्राम हमें सिस्टम कॉल की मदद से बनाना है, जिसमें हम इनपुट को रीड कर रहे होंगे जब तक, कब तक, जब तक यूजर दिस सिंबल को इंटर ना कर दे, ठीक है. एंड जो भी हम इंटर करेंगे उसको एक फाइल में सेव कर रहे होंगे. क्वेश्चन काफी सिंपल है, देख लेते हैं कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. टर्मिनल ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी. टर्मिनल ओपन हो चुका है, टर्मिनल ओपन हो चुका है. उसके लिए हम नैनो एडिटर का यूज करेंगे, नैनो एडिटर, नैनो स्पेस. फाइल नेम रख लेते हैं, जो कि हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फाइल नेम रख लेते हैं टू डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करेंगे, क्योंकि हम सी में कोड कर रहे हैं, ठीक है. प्रोग्राम लिखने स्टार्ट करते हैं. तो एज यूजुअल सबसे पहले हम जो भी नेसेसरी हेडर फाइल है उसे हम इंक्लूड कर लेंगे. तो इंक्लूड कर लेते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h. हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ मैसेज हमें स्क्रीन पे प्रिंट करने होंगे, ठीक है. फिर हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं stdlib.h, ओके. एंड देन आई विल इंक्लूड unistudy.h. ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करा है, INCLUD, ओके. एंड उसके बाद से एक और मेटर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, जो कि है epsi.h. ओके, देन हम मेन फंक्शन पे लिखना स्टार्ट करेंगे, int main. हम लिखेंगे सबसे पहले एक काम करते हैं ना, एक कैरेक्टर बफर बना लेते हैं कि जो भी हम इनपुट लेंगे ताकि हम उसको स्टोर कर पाए. इसका साइज रख लेते हैं 1024, ठीक है. उसके बाद से एक हम फाइल डिस्क्रिप्टर बना लें, जिसका नाम रख देते हैं fd, ओके. एंड देन ss साइज, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ तो मैं टैब प्रेस करूंगा एक लाइन में, चूंकि हमारा कोड जो है वो अच्छी दिखनी भी चाहिए, अच्छी काम करनी चाहिए, अच्छी दिखनी भी चाहिए हमारी कोड. तो उसके लिए कर लेते हैं ss साइज बाइट्स रीड नाम का वेरिएबल एक और हम बना लेते हैं, ओके. सॉरी, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज करना है. उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जिस, क्योंकि हमें इनपुट लेना है तो उसे सेव भी करना है फाइल में, तो एक फाइल को हम ओपन कर लेते हैं एंड फाइल क्रिएट भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने फाइल को क्रिएट नहीं किया. आपने देखा होगा शुरू में मैं डायरेक्ट जंप कर गया कोड पे, मैंने कोई फाइल क्रिएट नहीं किया. कोई बात नहीं, हम यहाँ से ही फाइल क्रिएट कर लेंगे, ओपन भी कर लेंगे, क्रिएट भी कर लेंगे. फाइल का नाम रख देते हैं output.txt. लगाने की जरूरत नहीं, मैं यूं ही लगा दे रहा हूँ, आपको ना लगाना हो मत लगाना. output.txt एंड देन इसमें हम इसको ओपन कर लेंगे राइट ओनली मोड में, ओके. wronly राइट ओनली.
चूंकि हमने फाइल क्रिएट नहीं किया है तो हमें ये भी कमांड देना होगा, सी आर टी क्रिएट, ओके, एंड देन दिस कमांड आल्सो विल गिव 0644. आई होप यू आर गेटिंग. एंड देन एक हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, तो सेम जैसे हमने सी में यूज करना है ना प्रिंट फंक्शन, अगर कोई मैसेज एज इट इज प्रिंट करना है कंसोल पे तो हम सेम वही प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं. एंड यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करा देंगे इंटर टेक्स्ट, ओके. इंटर टेक्स्ट ठीक है. एंड उसके बाद से हम एक लूप चला लेते हैं, लाइक क्योंकि हमें क्या करना है, जब तक इनपुट लेना है तब तक इनपुट लेना है जब तक यूजर जो है डॉलर सिंबल को इंटर ना कर दे, ठीक है. तो हम वाइल वन, लाइक आप इसे वाइल टू समझ सकते हो, ओके. एंड उसके बाद से हम लिख लेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे, बाइट्स रीड इज इक्वल टू, रीड करेंगे हम std:\file_buffer. आप ये चूंकि केस सेंसिटिव है, आप मैं क्या कैपिटल में और क्या स्मॉल में लिख रहा हूँ इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. साइज ऑफ बफर, ओके. एंड देन इसको हम क्या करेंगे, चूंकि हमें इनपुट लेकर के इसे राइट भी करना है, इसे जो हमने फाइल बनाया है ये आउटपुट डॉट txt इसमें राइट भी करना है, तो हम साथ साथ राइट भी करते रहेंगे, fd:buffer:bytesread. आई होप यू आर गेटिंग, ओके. एंड देन हम कंडीशन लग चुकी, ये मेरा इनफाइनाइट लूप हो जाएगा अगर मैं कोई बेस कंडीशन नहीं लगाया, तो मैं कंडीशन लगा लेता हूँ कि इफ बफर का जो जीरोथ इंडेक्स है अगर ये इक्वल टू दिस सिंबल है, क्या सिंबल होगा मेरा, डॉलर का सिंबल, चूंकि क्वेश्चन में डॉलर सिंबल दिया था हम ये यूज करेंगे है, तो हमें क्या कर देना है भाई, आप इसको ब्रेक कर दो लूप को, क्योंकि हमें अब कुछ भी ज्यादा इनपुट नहीं लेना है. अगर ये यूजर अगर डॉलर सिंबल को इनपुट करता है तो यही तो क्वेश्चन था, उसके बाद से ये हम कर लेंगे एंड लूप को क्लोज करेंगे एंड एक मैसेज को प्रिंट कर देंगे. चूंकि मेरा कोड अच्छा दिखे उसके लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, इनपुट सेव टू, इनपुट सक्सेसफुली सेव. इनपुट सेव्ड सिंपली प्रिंट कर देते हैं, ओके. एंड उसके बाद से हम जो फाइल है उसे हम क्लोज कर देंगे, रिटर्न जीरो एंड देन मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे. सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स इंटर करेंगे एंड देन वाई एंटर करके एंटर करेंगे, तो हमारा सेव हो चुका है. इसको रन कर लेते हैं, gcc space 2.c. आई होप कि कोई एरर ना हो, या कोई एरर नहीं है कोड में हमारा. अब इसको रन कर लेते हैं, a.slash a.out. टेक्स्ट इंटर करने के लिए कह रहा है, लाइक टेक्स्ट इंटर कर लेते हैं, लाइक राम इंटर सीता LPU CU IIT, एनीथिंग यू कैन इंटर अंटिल यू हैव इंटर दिस सिंबल. तो जब हम ये सिंबल इंटर करेंगे तो मेरा जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा एंड हमारा एक ये मैसेज भी आ जाएगा कि इनपुट सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है. एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा इनपुट जो है वो सेव हुआ है कि नहीं, तो चेक करने हमने वो फाइल का नाम क्या रखा था, output.txt. तो एक बार चेक कर लेते हैं, cat output.txt इंटर करेंगे तो या
आप देख सकते हो आउटपुट डॉट टी एक्स टी जो हमारा फाइल है उसके अंदर जो भी हमने इनपुट किया था ये एज इट इज सेव हो चुका है। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखो, पार्ट थ्री आप देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो इन द क्लास ग्रुप ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।